गाइज, वैसे तो मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है कि एक सेलर को 9 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या सामान ले जाना चाहिए और क्या क्या सामान नहीं ले जाना चाहिए। आप लोग आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। फिर भी समझ लो कि आप कोई सामान भूल जाते हो या आप लेके गए थे लेकिन वहां जाके वो यूज हो गया, खत्म हो गया। जैसे मान लो आप टूथपेस्ट ले गए थे, आपने टूथपेस्ट यूज करके खत्म कर दिया, तो क्या आप नेक्स्ट पोर्ट आने तक आप ब्रश ही नहीं करोगे? तो गाइज ऐसा नहीं है, चिप पर एक स्टोर होता है जिसको हम लोग बॉन्ड स्टोर कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि बॉन्ड स्टोर क्या है, इसमें क्या क्या सामान मिलते हैं, बॉन्ड स्टोर को संभालने की जिम्मेदारी किसकी होती है और जो भी हम सामान लेते हैं उसका हमें पेमेंट कैसे करना होता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं हूं सलमान, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग शिप सलमान में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, जैसे हमारे यहाँ जनरल स्टोर्स होते हैं जहां हमारी बेसिक यूज की सारी चीजें मिलती हैं, उसी तरह शिप पर भी एक स्टोर होता है जिसको हम लोग बॉन्ड स्टोर या तो स्लॉप चेस्ट बोलते हैं। बॉन्ड स्टोर शिप पर एक छोटा सा स्टोर होता है जहां पर हमारे डे टू डे यूज के सामान मिलते हैं जो ड्यूटी फ्री होते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि बॉन्ड स्टोर में क्या क्या चीजें मिलती हैं। इसमें सिगरेट्स मिलते हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स और ग्रूमिंग आइटम्स मिलते हैं जैसे डिओड्रेंट, टूथपेस्ट, टूथब्रश, माउथ वॉश, शेविंग क्रीम, शेविंग जेल, आफ्टर शेव, शैम्पू, फेस क्रीम। और खाने पीने के लिए चिप्स, चॉकलेट्स, मिंट्स, सॉल्टेड ड्राई फ्रूट्स और किसी किसी शिप पर फार्सन्स भी मिलते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे फैंटा, पेप्सी, कोका कोला कैंस। और हाँ, मिनरल वाटर बॉटल्स भी मिलते हैं क्योंकि बहुत सारे सेलर्स कहते हैं जो फ्रेश वाटर जनरेटर से पानी बनता है वो हार्मफुल हो सकता है, इसलिए वो बॉन्ड स्टोर से लेके पीते हैं। कुछ कुछ शिप्स पर ये वाटर बॉटल फ्री होते हैं और कुछ शिप्स पर चार्जेबल होते हैं। और हाँ, जितने भी सामान बॉन्ड स्टोर में मिलते हैं उसकी एक लिस्ट नोटिस बोर्ड पर पिन कर दी जाती है। इस लिस्ट में सामान और उसके प्राइस लिखे होते हैं। ये लिस्ट ऐसा दिखता है, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। फिर देखते हैं हम जो भी सामान बॉन्ड स्टोर से परचेस करते हैं उसका पेमेंट कैसे करना पड़ता है। तो गाइज, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस आप जाओ बॉन्ड स्टोर में, जो भी सामान चाहिए वो ले लो। थर्ड ऑफिसर लिख लेता है कि आपने क्या क्या सामान लिया है और आपकी सैलरी में से उतना अमाउंट कट जाता है। मंथ के एंड में आपको एक पे स्लिप मिलती है, उसमें ऐसा स्लॉप चेस्ट का ऑप्शन होता है, मतलब इसमें लिखा होता है कि इस मंथ में आपने स्लॉप चेस्ट से कितने अमाउंट का सामान खरीदा है और वो अमाउंट आपकी सैलरी में से कट जाता है। तो गाइज, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि बॉन्ड स्टोर या स्लॉप चेस्ट क्या है। इस चैनल का मकसद यही है कि अगर आप फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम शिप ज्वाइन करने वाले हो, तो आप लोगों को ज्वाइनिंग से पहले ही बेसिक्स पता चल जाए, ऐसा ना हो कि आप लोग वहां जाओ तो आप लोगों को सब कुछ नया लगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, अपने फ्रेशर दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।